सीटा पर भरोसा है कि नहीं जो जेल की सलाखों के अंदर है। सवाल इस बात का है कि मुद्दों को समझने के लिए ज्ञान का आतंक नहीं फैलाइए। तो ज्ञान का आतंक फैला रहे थे तो माननीय नीतीश कुमार जी ने विस्तार से तमाम बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अगले सत्र में तैयार रहिए, तो जरा होमवर्क करिएगा, ऐसा नहीं कि फिर लापता हो जाइएगा तो ग्राउंड रियलिटी का एहसास नहीं होगा। यात्रा पर निकल रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं सीमांचल के दौरे पर। अरे उसका सीमांचल के दौरे पर जा रहे हैं उनको अधिकार प्राप्त है, लेकिन अब तक का इतिहास रहा है कि माननीय तेजस्वी यादव की यात्रा में हलंत लग गया है, बीच में ही कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। तो हमारी उम्मीद है कि यात्रा भी पूरा करेंगे, और साथ ही साथ हमारी समझ है कि माननीय तेजस्वी यादव जी के जो पारिवारिक राजनीति की बुनियाद पर है, संपत्ति सृजन राजनीतिक बीमारी है, तो हो सकता है अभी राज्य सरकार ने भू अभिलेख को अपडेट कर रहा है, ऑनलाइन की व्यवस्था हो रही है, तो दाखिल खारिज है, जमीन का रसीद कटा है कि नहीं, वो काला धन को भी देखने के लिए लोग उसके अद्यतन रिपोर्ट बनाने के लिए भी जा सकते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र में उनको जाना चाहिए, लेकिन हमारा अनुरोध होगा कि यह बताना चाहिए हिमाचल के इलाके में कि हमारे माँ पिता ने अपने कार्यकाल में कितने कब्रिस्तान की घेराबंदी की। यह बताना चाहिए तेजस्वी यादव को कि अपने माँ पिता के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक उन्नयन के लिए क्या किया, मदरसा के शिक्षकों के लिए क्या किया, मदरसा के आधारभूत संरचना के लिए क्या किया, ये कम से कम जरूर उनको बताने का हम अनुरोध करेंगे कि जरा 15 साल का अपना हिसाब दे दीजिएगा। अब 15 साल का तो हम लोग हिसाब देने को तैयार हैं। एनआरसी पर आप लोग तैयार नहीं है, बीजेपी एनआरसी एजेंडा है प्रमुख बीजेपी का। अब इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को उद्धृत करते हुए पूरे तौर पर कह दिया है, इसलिए अब इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। जिनको भी सवाल पर अपना ज्ञान के बारे में बताना है तो अगले सत्र की के लिए प्रतीक्षारत रहे। सर रघुवंश बाबू चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या लग रहा है पार्टी में सब ठीक नहीं है? देखिए माननीय रघुवंश बाबू उनका पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बेबाक हैं, उन्होंने अपनी मना पीड़ा व्यक्त की है, अपरोक्ष रूप से उन्होंने इस बात को प्रतिवेदित किया है। लगता है मुझे ऐसा कि पास व्यक्ति आज उनका नेता है, ये मानने की कहीं न कहीं मना पीड़ा है, इसका प्रकटीकरण राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बहुत बढ़िया।